आगे बढ़कर लगभग 15 किलोमीटर अंदर ये नर्मदा गंभीर रूप परियोजना का मुख्य द्वार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इस योजना का शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर जो है एक सरकार ने एक जलसा का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान थे और उन्होंने इसको किसानों के लिए बड़ी योजना बताया था। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक सिंबल बनाया है, बच्चे वहाँ पर देखिए किस तरह से खेल रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि स्वच्छता का विशेष आप ध्यान रखें। ये जो नर्मदा गंभीर जो लिंक परियोजना है, ये जो संगम है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर ये संगम स्थल पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा बनाया गया है और इस जगह का जो लुक आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पर गंभीर और नर्मदा दोनों नदी को जोड़ने का काम पाइपलाइन के जरिए किया गया है। हम आपको बताते हैं कि ये जो मुख्य संगम स्थल है, इस संगम स्थल पर माँ नर्मदा का चित्र भी ऊपर बनाया गया है। अभी हम आपको इस तरफ ले चलते हैं, यहाँ पर एक बड़ा हाल नुमा जैसा बनाया है, यहीं पर जो है लोग आकर अपना पिकनिक मनाते हैं। इसका काम अभी चल रहा है, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस योजना को अपने हाथों में ले लिया है और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में और और बड़ी बनेगी। माँ नर्मदा की प्रतिकृति ये आपको दिखती है यहाँ पर किस तरह से इसको सुंदरता के साथ बनाया गया है। ये पीछे वाटर टैंक है इसका और इस तरफ देखेंगे सामने की तरफ तो गार्डन बना दिया गया है, बच्चों के लिए झूले लगे हैं, आकर्षक पार्किंग का इंतजाम किया है, अभी काम चल भी रहा है। आप इधर से भी ये देखिए कि माँ नर्मदा का जो संगम हुआ है ये कहाँ किस तरह से क्या किया गया है और ये जो माँ नर्मदा यहाँ पर विराजित हैं ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है और जिस तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो किया गया था कि यहाँ पर भविष्य में ये बड़ा एक पर्यटन का केंद्र बनेगा।